तो पॉइंट नंबर वन, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ वी, तो हमने क्या डिस्कस किया, फ्लेमिंग का रूल, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वी बी बोर्ड के अंदर है, क्रॉस है, वी इधर है तो फोर्स ऊपर है, ये पार्टिकल फोर्स ऊपर से इधर मुड़ेगा, जब ऐसे मुड़ेगा तो वी कहां पर है, ऊपर है, फोर्स इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कैसे, बी बोर्ड के अंदर है, वी इधर है, फोर्स इधर है। आप जिस मर्जी पॉइंट पे देखें फोर्स कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, और क्या प्रोवाइड करेगी, सेंटीपेटर। तो पार्टिकल मूव करेगा इन अ रेडियस ऑफ आर, तो अगर आर रेडियस निकालना है तो आर रेडियस देखो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है बोलो क्या होगी, बी क्यू वी साइन 90, क्योंकि बी में और वी में एंगल क्या है 90, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो बी क्यू वी साइन 90 एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां से वी क्या हो गया, कैंसल, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू। ठीक, तो रेडियस कितने रेडियस में पार्टिकल घूमेगा, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू। क्लियर है यहां तक, तो ये पहला रिजल्ट है। तो प्लीज इस रिजल्ट को आप डायग्राम के साथ फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, तो ये डायग्राम है, रेडियस का फॉर्मूला नोट करें, R इज इक्वल टू एम वी बाई पी क्यू, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू एम वी बाई पी क्यू। ठीक है, कर लिया नोट। अब R इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, अब क्वेश्चन है, क्योंकि ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, तो हमने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया था कि V इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, तो V कौन सी वेलोसिटी है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेकिन पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इसके बाद एक और वेलोसिटी है जिसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और सर्कुलर मोशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, V इज इक्वल टू R टाइम्स ओमेगा, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइडेड बाय R, तो ओमेगा इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, की वैल्यू क्या है, MV डिवाइडेड बाय BQ, V से V कैंसल, ओमेगा क्या आएगा, BQ डिवाइडेड बाय M। तो सेकेंड फॉर्मूला नोट करें प्लीज, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो ओमेगा पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो आप नोट फॉर्मूला नोट करें, बी क्यू डिवाइडेड बाई एम। तो पहला फॉर्मूला रेडियस का, दूसरा फॉर्मूला ओमेगा का। ठीक है, यहां तक। तीसरा, इसी के अंदर जो ओमेगा होता है, ओमेगा उसका मतलब क्या होता है, टू पाई अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या, बी क्यू डिवाइडेड बाय एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करें, टाइम पीरियड का मतलब एक सर्कल में जो पार्टिकल मूव कर रहा है एक चक्कर कितने समय में काटेगा, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज, तो ये कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर काट लेगा फ्रीक्वेंसी, तो वन अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल ले लो, क्या आएगा, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी, तो ये फॉर्मूला प्लीज आपके काम आएंगे जब आप इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज। अब इसके अंदर एक चीज और याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं ला रही, ये मैं बार बार समझा रहा हूं।